हेलो गाइस, द एआर भारत 89 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा जो कि चित्रलेखा देवी का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि भागवत कथा चल रही है। तो मैं आप सबको पिछले ब्लॉग में भी आप सब देख चुके होंगे, जो कि दो ब्लॉग मेरा चढ़ चुका है और आप सब ने देखा ही होगा जो कि। और ये अभी हम चल रहे हैं अंकित और इधर देखिए इधर अनुराग के साथ चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको डायरेक्ट अब भागवत कथा सुनाते हैं, क्योंकि चारों तरफ का आप सबको मैं दिखला चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए और मिलते हैं आपको सीधे भागवत कथा में। देखिए दोस्तों, हम सब पहुंच चुके हैं और अभी हम सब ले चल रहे हैं कथा की तरफ।
पवित्र महीना नवमी तिथि मध्याह्न का समय योग लगन व्यवहार तिथि इनका खुदका बेटा नारायण नाम लेने से नहीं रुक रहा तो फिर बोला हम क्यों नारायण नाम न ले, इसलिए इसको मारना पड़ेगा। प्रहलाद जी को मारने की प्रयास में हिरण्यकश्यपु लग गया। धीरे धीरे उसने को बचा जाते हंगार करके अंत में जब इसकी वरदानों की सीमा पूरी हो गई तब अंत में भगवान ने खंभे से नरसिंह रूप धारण करके प्रकट होकर के इसका उद्धार किया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान आते हैं और बड़ा विचित्र रूप धारण करके आते हैं क्योंकि जो जो इसने वरदान मांगे थे उनको भी पूर्ण करना था। ना ये नर है ना पशु है ना ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से बने हैं, ये सबकी सृष्टि से परे हैं, आधे मनुष्य आधे सिंह। ना इनके पास अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से भगवान ने इसका उधर फाड़ करके इसका उद्धार किया। ना दिन का समय था ना रात का समय था, सांझ हो रही थी, मध्याह्न का समय, सूर्यास्त की ओर चला था। न ये बाहर था न भीतर था, मध्य में एक दरवाजे की चौखट पर भगवान ने इसको पकड़ा। न ये ऊपर था न नीचे, इसको गंगा पर लेटा दिया और पुरुषोत्तम मास में अवतार लेकर के भगवान ने इसका उद्धार किया है, इस पर कृपा करी है। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी की भक्ति जीत गई और हिरण्यकश्यपु का अभिमान हार गया। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, भगवान ने प्रहलाद पर खूब लाड़ दुलार किया और फिर आज्ञा दी वरदान मांगने की। प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति करते हुए भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने वरदान से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम भगवान के नाम का। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने षष्ठ स्कंध में अजामिल की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। भगवान के भक्त जन हुए हैं, इन सब पर कृपा ही क्योंकि इनके जीवन में भगवान थे, संतों के जन थे और इसी के कारण इन पर सब पर भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद जी भी आज प्रहलाद जी बने,
उन्हीं देवर्षि नारद जी गुरु रूप में प्राप्त हुए। हिरण्यकश्यप ने और ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ऐसा नहीं है कि इतिहास में आज तक ऐसे और जितने भी मुझे आपके भक्तों का भक्त बना दीजिए, मुझे अपने दासों का दास बना दीजिए, क्योंकि जो प्रेम भगवान का अपने भक्त पर होता है उससे कहीं ज्यादा प्रेम भगवान को अपने। अब कोई तुम्हारे घर की बेटी हो उसका ब्याह कर दो, उसकी शादी हो गई, अगर उसका पति उसको प्रेम दे, बढ़िया से रखे, अच्छे से रखे, उसको कष्ट ना दे, तो क्या होगा? जो घर वाले होंगे उनका दुलार बेटी से भी अधिक उस दामाद पर है। क्यों? क्योंकि उसको खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि मेरा भक्त है, लेकिन उसका जो ध्यान रखने वाला कोई उसका दास होगा, उस पर भगवान के भक्तों का भक्त बनने, उनके दासों का दास बनने। और ये भगवान ने आज वृतासुर ने मांग करके सिद्ध कर दिया। भगवान ने उसकी मनोकामना को
पूर्ण किया, आशीर्वाद दिया, तो तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, पूरी हो। अब भगवान का अपने भक्तों पर कितना लाड़ है ये सुनाते हैं शिशुदेव जी महाराज। भगवान के भक्त का चरित्र सुनाते हैं, जिन भक्त का नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, और कल जो आपने कथा सुनी श्री वरहा भगवान की, वरहा भगवान को समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, तो एक हिरण्याक्ष नाम कर दे त्याग के युद्ध करता, भगवान उसे हरा देते हैं, उसका उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष का ही भाई है हिरण्यकश्यप है, इसके मन में भाई की मृत्यु का बदला लेने का भाव है कि जिसने मेरे भाई को मारा अब मैं उसको मारू। तो अमृत भी निकला, अमृत को लेकर के दैत्य भाग जाते हैं, देवता उस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान से भक्त बना दीजिए, मुझे अपने दासों का दास बना दीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला जामिन एक वैश्या के संसर्ग में आया और धीरे धीरे जीवन में खुद पाप किए और इतने पाप किए कि उनका कोई पश्चाताप नहीं है। एक होता है कि छोटे मोटे पाप करता हो, इसलिए दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ा, मगर उसका उनका अपमान करने अपमान किया, जैसे अपमान किया संतों को तो वहां से भाग जाना चाहिए और चले जाना चाहिए था, पर संत तो तैयार हृदय होते हैं, सहनशील होते हैं। संतों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो ना समझ है, लेकिन इसके घर का हमने अन्न खाया है तो इसका कल्याण होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए संतों ने उससे काम होगी, मैं पता है हम अपनी भक्ति योग के बल से देख पा रहे हो बेटा, तो तुम उस बेटे का नाम हमारे कहने पर हमारी आज्ञा पर नारायण नाम रखो, बस इतनी सी हमारी बात तुम मान जाना, समझ लो हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया और ये तुमने मान लिया तो हम मान लेंगे तुमने हमको दक्षिणा दी, ये कहकर के संत चले गए। पर अजामिल के मन में ये बात कहते ना कब कौन सी बात दिल में बैठ जाए कुछ पता नहीं होता, और वो भी साधु संत की बात कब कहाँ दिल में लग जाए ये भी नहीं पता होगा, एक बात दिल में लगती ही बदल जाता है। अजामिल के साथ भी वैसे ही, अजामिल ने संतों की आज्ञा नाम करके अपने पुत्र का जब जन्म हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। अब एक तो इसके जीवन में भक्ति तो थी नहीं कि भाई बैठ करके नारायण नारायण जपे, पर बेटे के सहारे इसके मुख से दिन में 50 बार नारायण नाम निकलता, क्योंकि बुलाता बेटे को पर नाम लेकर बुलाता, जैसे नाम लेता तो भगवान बड़े खुश हो जाते कि हमारा नाम ले रहा, नारायण नाम लेता और वहां बैठे भगवान एकदम चौंक जाते, सतर्क हो जाते कि कोई हमको बुला रहा है, कोई हमको याद कर रहा है। ऐसे करते करते अजामिल का जीवन चलता जा रहा था नारायण नारायण करते करते करते, और फिर एक दिन हुआ चमत्कार। चमत्कार यू हुआ कि जब इसकी मृत्यु आई, मरने का समय आया, और जब मरते हैं मरने के समय शास्त्र कहते बड़ा कष्ट होता है, आदमी को बड़ा दुख होता है जब उसके प्राण निकलते हैं, तो अब उस प्राण निकलते समय इसने संसार की कोई चीज इसको याद नहीं आई, इसके मुख से एक नाम निकला कि बस होना तुम्हें किसी के बस की बात नहीं, इंसान अगर हो ही नहीं सकता, और जो हमारे हाथ में नहीं वो तुमको कैसे दे देंगे,
ब्रह्मा जी कहते हैं हम खुद अमर नहीं, तुमको कैसे अमर कर देंगे। तो ये हमारे बस की बात है। तो श्री ब्रह्मा जी की बात सुनकर न कृष्ण बोला, अच्छा तो फिर हमारी तपस्या बेकार नहीं जब आप दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग ले, ये मांगना जरूरी है, कुछ और दे देंगे। बोले कुछ और, फिर एक आध से काम नहीं चलेगा, एक आध दो से काम नहीं, तपस्या गई हमने ऐसी थोड़ी, आपको देना पड़ेगा। फिर हम छह वरदान मांगे। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, तो छह मांग ले, हम छह दे देंगे। तो इस हिरण्यकश्यपु ने छह वरदान में क्या मांगा, एक वरदान मांगा कि मैं इस प्रकृति में आपकी बनाई गई सृष्टि जो है उनमें से किसी के हाथों से न मरूं, न नर न पशु न देव न गंधर्व, किसी के हाथ से न मरूं। हमारी नेता बर्खास्त की, ताकि इस दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र तलवार धनुष बाण चक्र ये सब मुझे मार नहीं सकते, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी प्रकाश, न दिन में मर सकता न रात को। ब्रह्मा जी ने कहा न बाहर मरूंगा न भीतर, जो चाहे बना दो। ब्रह्मा जी ने अंतिम वरदान में भी बोल दिया कि कृपा हुई भगवान की और भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेजा। भगवान ने कहा ये तो मेरा परम भक्त है, कैसे भक्त है? बोले अंतिम समय में इसने हमारा नाम लिया, नारायण पुकारा, ये नाम पुकारना क्या कोई आसान काम है? और वो भी अंतिम समय में, अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया, इसका मतलब अब ये नरक जाने के योग तो बचा नहीं, अब इस पर हमारी कृपा होगी। और ये कह के भगवान ने अपने दूतों को अजामिल के कल्याण के लिए भेज दिया। अजामिल सब बात सुन रहा था पड़ा पड़ा, और उसने जैसे देखा कि वाह, अनजाने में नारायण नाम लिया तो हमको नरक नहीं जाने दे रहे, अगर हम दिल से नारायण नाम लेंगे तो फिर पक्का कन्फर्म है कि हमको भगवान का ही धाम मिलेगा। बस अजामिल का जीवन बदला, और अब उसने भगवान के नाम का सुमिरन करना, और अगर दिल से लेगा तो उसका तो फिर कोई कहना ही नहीं। इसलिए भागवत बार बार कहती है कि भैया समस्त पापों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम भगवान ने हमारे यज्ञ को स्वीकार कर लिया है, तो अब हमको दिल खोल के इनकी सेवा करनी चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। तो बली ने कहा, निवेदन किया कि भिक्षा में हम आपको क्या दें, आपकी मर्जी का बताओ। याचक की मर्जी का दिया जाए तो देने में और ज्यादा आनंद आता है, बताइए आपको क्या चाहिए। पहले पहल तो वामन भगवान ने मना ही कर लिया कि नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। बली बोला ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे दरवाजे पर आज तक कुछ खाली नहीं गया, आप कैसे चले जाएंगे, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरा नियम न टूटे इसलिए आपको, दयालु हृदय होते हैं, सहनशील होते हैं। संतों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो ना समझ है, लेकिन इसके घर का हमने अन्न खाया है तो इसका कल्याण होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए संतों ने उससे दक्षिणा मांगी, दक्षिणा में रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा, जो संतान होगी हमें पता है हम अपनी भक्ति योग के बल से देख पा रहे वो बेटा होगा, तो तुम उस बेटे का नाम हमारे कहने पर हमारी आज्ञा पर नारायण नाम रखते हैं। बस इतनी सी हमारी बात तुम मान जाना, समझ लो हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया, और ये तुमने मान लिया तो हम मान लेंगे तुमने हमको दक्षिणा दी। ये कहकर के फिर बारी आती है भगवान के एक और भक्त की, कथा आती है जिनका नाम था व्रतासुर। व्रतासुर वैसे तो दैत्य योनि में थे, लेकिन जब भी बात आएगी भगवान के भक्तों की, जब भी बात आएगी कि भगवान मिले उनसे वरदान मांगना तो क्या मांगना चाहिए,
तो उसमें एक नाम हमेशा वृद्धा से आएगा और उस वृद्धाश्रम ने भगवान से क्या मांगा है वो बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर स्थिति है। वृद्धाश्रम वर्णन करते हैं, कुछ ही क्षणों में हम सभी भगवान के दिव्य प्राकट उत्सव का आनंद लेंगे। थोड़ी व्यवस्था भी आप सभी बनाए रखेंगे, माता बहनों से भी निवेदन है, अपने यथा स्थान पर भी आप झूमे नाचे गाए, लेकिन व्यवस्था बनाते हुए और विशेष रूप से निवेदन है अपने कीमती आभूषण मोबाइल पर्स आदि का भी आप सभी ध्यान रखेंगे। दशा में घाट से हमारे बीच पधारे हैं पूज्य स्वामी जी को भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया जो व्यवस्थापक जन है स्वामी जी के लेकर मंच तक आएंगे और व्यासवीर से आप नमन करेंगे। आदरणीय पूनम कुमारी जी आर, जिन्होंने 2100 रुपये की राशि आज के पावन दिवस में इस अवसर पर बीमार गौवंशों के लिए समर्पित की है, यदि उपस्थित हैं और हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, निवेदन है दिव्य रसमय आनंदमय कथा का रस स्वादन करने का परम सौभाग्य हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। जिस सेवा संकल्प को लेकर ये सेवा गंगा, ये ज्ञान गंगा आप सभी के बीच तक पहुंची है, हम सभी को
जो भी सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, तो हम सभी के लिए बताया गया है कि सनातन धर्म में धरती पर स्थापित है और समर्पित है ऐसे बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में। हॉस्पिटल में गौवंशों के इलाज के साथ साथ, उनके उपचार के साथ साथ कई ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर के माध्यम से हमारे डॉक्टर सर्जन करते हैं और ये ऑपरेशन निरंतर लगातार रोज प्रतिदिन होते हैं, क्योंकि रोज प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे एक्सीडेंटल केस। Bye.